तो आज हमें वो सारी प्रैक्टिस करनी है वो समझने है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या है और हालांकि मैंने ये सारे जो एक्सपेक्ट है वो इंपॉर्टेंट अपने पेड क्लास में ऑलरेडी करवा लिए है लेकिन मैं अलग से इसको आपको यहाँ पर मैं फिर से एक बार डिफ़ाइन करना चाहती हूँ विद इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और आज हम जितने भी ये जो एक्सपेक्ट आपके सामने आए हैं ये जितने भी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है कि कैसे ये नेटवर्क डायग्राम बनता है नेटवर्क डायग्राम को बनाया कैसे जाता है और ये पाथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है कैसे हमें फॉरवर्ड पास निकाला जाता है कैसे हमें यहाँ पर बैकवर्ड पास निकाला जाता है कैसे माइनस होता है कैसे प्लस होता है और साथ के साथ यहाँ पर फ्लॉट टाइम कैसे निकाला जाता है तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे तो सेशन को यहाँ पर एंड uh, तक यहाँ पर ज़रूर देखना ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है वो समझ आते जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी थ्योरी समझते हैं कि एक्जैक्टली exactly डिफरेंस क्या है बिटवीन द सी पी एम एंड पर्ड सी क्या है और पर्ट क्या है और इसके बीच में डिफरेंस क्या है तो वेन एवर बी डिस्कस अबाउट सी तो सी हमारा यहाँ पर क्रिटिकल पाथ मैथड कहला रहा है कि एक तरीके का क्रिटिकल पाथ मॉडल है क्रिटिकल पाथ मैथड है ऑन द अदर साइड पर्ट हमारा क्या कहते हैं इसको पर्ट हमारा यहाँ पर प्रोग्राम इवेलोवेशन रिव्यू टेक्निक है कई कई प्रोग्राम कई कई प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखा होता है तो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इवेलुवेशन रिव्यू टेक्निक हमारा इसके अंदर आता है अब बेसिक सा डिफरेंस ये है कि इसको दिया किसने हु इज़ द मेन एक्सपोरेंट और किसने आपको ये सी पी एम एंड पर्ट दिया सी पी एम और पर्ड जित दोनों जो एक्सपेक्ट आपके सामने हैं ये दोनों ही हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह वर्क कर रहे हैं यानी कि सी पी एम और पर्ट ये सभी के सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों ही हमारे एज एन एक्टिविटी टूल की तरह वर्क कर रही है अब यहाँ पर जो सी है और पर्ट है सबसे पहले पर्ट आपको दिया किसने है तो पर्ट जो मेन एक्सपोनेंट है आपके जो आपको दिया है वो आपको यूएस नेवी के थ्रू यहाँ पे डेवलप किया गया है यूएस नेवी के थ्रू यहाँ पे डेवलप किया गया है नाइनटीन फिफ्टीज़ में इन ऑर्डर टू मैनेज दी पोलिस सम्बरेन प्रोग्राम तो जो पोलोरिस समबरेन जो पॉलोरिस सम्बरेन इनका जो मिसाइल प्रोग्राम था उसके लिए ये ये जो आपका पर्ट यहाँ पे डेवलप किया गया यूएस नेवी के थ्रू नाइनटिन फिफ्टीज के अराउंड पर्ट आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की तरह वर्क करा है अभी क्या करता है ये सभी तरीके के सभी तरीके के जितने भी आपके जो इवेंट्स है ये उनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करने का काम करता है सभी तरीके के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ये ऑर्गेनाइज़ करने का काम करता है और ये एक तरीके का पर्ट एक तरीके का इवेंट और ओरिएंटेड नेटवर्क डायग्राम है पर्ट के अंदर ये स्कड्यूल करता है सभी तरीके के इवेंट को पर्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है पर्ट यहाँ पे पर कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है टास्क विद प्रोजेक्ट्स के साथ विद इन प्रोजेक्ट्स के साथ और एक ऐसा बेसिकली मेथड है जो एनालिसिस करता है टास्क को जो किसी भी कंप्लीशन ऑफ दी गिवन प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड होता है

सीपीएम क्या है क्रिटिकल पाथ मॉडल जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है अब ये आपको डो पॉइंट ने यहाँ पर इसको दिया है फर्स्ट यहाँ पर जो यूज किया गया था CPM का वो सभी तरीके के जो मिसाइल डिफेंसेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था तो उसके लिए यहाँ पर यूज किया गया तो अगर हम देखा जाए तो पर्ट को हम मेनली आर एन डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर यूज करते हैं ऑन द अदर साइड जब हमें किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन करना होता है कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना होता है तो उस केस के लिए हम यहाँ पे सीपीएम का सहारा लेते हैं सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड एक तरीके का स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है और एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो उस केस में कितना लंबे समय तक हमें टाइम निकल सकता है कितना लग सकता है तो उसका यहाँ पर हम आ, कौन से ऐसे क्रिटिकल पाथ है कौन से ऐसे नॉन क्रिटिकल पाथ है कौन से नॉन क्रिटिकल डायरेक्शन है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं तो जो सी पी एम है आपका मेनली सी पी एम यहाँ पर मिसाइल डिफेंस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है और इसका ये खासियत है कि ये एक तरीके की प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है एक तरीके की प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है इसके कुछ स्टेप्स भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल सी के अंदर सभी तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पर प्रिडिक्टेबल होती है प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होती है कि जिसके अंदर हमें पता होता है कि कोई भी एक्टिविटी को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किस टाइम के अंदर हमारी यहाँ पर खत्म हो रही है लेकिन जो पर्ट है इसके अंदर जो टाइम होता है क्योंकि हम तीन तरीके के टाइम एस्टिमेशन करते हैं तो ये आपका प्रॉब्लमिस्टिक होता है नेचर प्रॉब्लमिस्टिक अगर ये डिटर्मिनिस्टिक है तो ये आपका प्रॉब्लमिस्टिक है तो मैं आपको यहाँ पर एक शो करना चाहती हूँ एक स्लाइड से जो दोनों को डिफरेंस यहाँ पर बताते हैं तो मेनली अगर हम सी पी एम एंड पर्ट की बात करें तो सी पी एम एंड पर्ट में ये जो आपका प्रोग्राम या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टूल की तरह वर्क कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सिस्टमेटिक वे ऑफ प्लानिंग स्कड्यूलिंग एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कि जितनी भी एक्सपेक्ट हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं स्कड्यूल कर सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं ताकि हम इस गोल को जो हमारा टाइमली किसी प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन हो जाए उसको हम यहाँ पर अचीव कर पाए पर्ट और सीपीएम दोनों ही नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक कहलाती है जो एग्जिबिट करता है फ्लो और सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज एंड इवेंट्स कि कितने तरीके जो हमारी एक्टिविटीज है किस तरीके के इवेंट्स है वो कैसे फ्लो किस डायरेक्शन में फ्लो करें अकॉर्डिंग टू द टाइम तो उसके लिए हम यहाँ पर पर्ट एंड सी का यूज कर रहे हैं पर्ट की जो बात करें यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिव्यू टेक्निक की बात करें तो ये अप्रोप्रेट होता है फॉर द द द टाइम टू डिफरेंट एक्टिविटीज आर नॉट नॉट कि जब पर्ट का तब हम यूज़ करते हैं कि जब हमें यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन करना है लेकिन यहाँ पर जो टाइम है टाइम यहाँ पर तीन तरीके का इस्टिमेशन है मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो टाइम हमारे पास जब नॉन नहीं है प्रॉब्लमिस्टिक है तो उस केस के लिए हम यहाँ पर अपने पर्ट का सहारा लेते हैं ऑन द अदर साइड सी यानी कि क्रिटिकल पाथ मैथड या फिर क्रिटिकल पाथ मॉडल ये एप्ट होता है Uh, उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो रकिंग होते हैं नेचर जो बार बार रिपीट होते हैं रकरिंग होते हैं नेचर और यहाँ पे दो तरीके के स्केडिंग मेथड्स होते हैं जो हमारे मोस्ट कॉमन तरीके से यूज करे जा रहे हैं फॉर डिजाइनिंग द नेटवर्क एंड असर्टनिंग इट्स क्रिटिकल पाथ क्लियर यहाँ पे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिस uh, है अगर हम पर्ट की बात करें अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम पर्ट को देखें तो पर्ट एक तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक की तरह वर्क कर रहा है जिसमें हम यहाँ पे प्लानिंग करें स्केडिंग करें ऑर्गेनाइज करें कोऑर्डिनेट करें कंट्रोल करें और अनसर्टन एक्टिविटीज के अंदर जो हमारी है उसको हम यहाँ पर सभी तरीके की एक्टिविटीज को मैनेज करें लेकिन सीपीएम क्या है एक है एक तरीके का टेक्निक क्यों इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आप यहाँ पर क्रिटिकल पाथ निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल कुछ आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लगाने पड़ते हैं कुछ यहाँ पर आपको नंबर्स के साथ वर्क करना पड़ता है और स्टार्ट तरीके से आप किसी भी एक्टिविटी को कितने पर्टिकुलर टाइम में आप अचीव कर पाए और क्या क्रिटिकल पाथ होगा वो हम पे डिटरमाइन करना पड़ता है जिसकी वजह से कहा गया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जिसके अंदर प्लानिंग भी है स्केडुलर्गनाइजिंग भी है ऑर्गेनाइजिंग भी है कोऑर्डिनेशन भी है लेकिन कंट्रोल भी है वेल डिफाइंड एक्टिविटीज का यहाँ पे एक्टिविटीज वेल डिफाइंड है यहाँ पे अनसर्टन एक्टिविटी है लेकिन यहाँ पे एक्टिविटीज वेल डिफाइंड है पर्ट एक तरीके की टेक्निक है ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ टाइम प्लानिंग करने के लिए कंट्रोल करने के लिए टाइम को

कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है पर्ट एक तरीके का सेट होता है जो अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स यहाँ पे चलता है सीपीएम क्या होता है ये है ये एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग पर अलाइन करता यानी कि अगर पर्ट की बात करें तो पर्ट आपका एक तरीके का इवेंट्स को सेट uh, करने के लिए होता है कि कोई पर्टिकुलर इवेंट है अगर आपने यहाँ पर किसी तरीके का आर एन डी प्रोजेक्ट को यूज करना है बनाना है तो उस आर एन डी प्रोजेक्ट के लिए आप कैसे इवेंट्स को सेट करेंगे तो उसका उसके लिए आपके पास पर्ट है लेकिन सीपीएम यहाँ पर अलाइन करता है टू दी एक्टिविटी एक डिटरमिनिस्टिक मॉडल हमारा कहलाता है सीपीएम लेकिन दूसरी तरफ पर्ट हमारा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है पर्ट को प्रोबेबिलिस्टिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें तीन तरीके का टाइम एस्टीमेशन है ऑप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम आगे इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कैसे यहां पर इसको दिखाया दिखाया जाता है पर्ट क्या है पर्ट टेक्निक हमारी बेस्ट सूटेड होती है किसके लिए हाई प्सीशन टाइम एस्टिमेशन का अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी को अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कितना लंबे समय ले सकती है तो यानी कि उसका कितना डिले हो सकता है पेसिमिस्टिक टाइम वो कितना मोस्ट लाइकली टाइम यानी कि कितना uh, आपका जो एक्टिविटी है वो कम समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको परफॉर्म कर पाए और कितना आपका जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम यानी कि कितना आपकी जो एक्टिविटी है वो बिना ज़्यादा वक्त लिए पहले टाइम से पहले वो यहाँ पर फिनिश करी जा सकती है तो जिसके लिए यहाँ पर प्रिजिशन ऑफ द टाइम एस्टिमेशन के लिए हम पर्ट का यूज लेते हैं सीपीएम एक अप्रोप्रेट होता है रीजनेबल टाइम एस्टिमेशन के लिए पर्ड डील करता है अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटी और सीपीएम पे एक्टिविटीज रिलेटेड है यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर डिमार्केशन uh, होता है बिटवीन द क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज तो वो सीपीएम के अंदर होता है कि कौन सी ऐसी क्रिटिकल एक्टिविटीज है कौन सी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है ऑन दी अदर साइड पर्ट के अंदर कुछ ऐसा केस नहीं होता तो ये कुछ इसके डिफरेंस है जो आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स है जो मैं स्टेप आपको यहाँ पर मैंशन यहाँ पे नोट डाउन करवाना चाहती हूँ दोनों के कुछ स्टेप्स के डिफरेंस है अब एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन बना है वो पर्ट के स्टेप से बना है तो पर्ट के कौन कौन से स्टेप है इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैंशन करते हैं इन डिटेल कि किस तरीके से हमारे स्टेप्स यहाँ पर इंक्लूडेड है और कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व करना होता है तो पर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हमें यहाँ पर लगाने के लिए आ जाते हैं अगर हम पर्ट की बात करें तो सबसे पहला स्टेप यही है जिसमें हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को कि अगर आपको आर एन डी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट को पहले डिफाइन करोगे डिफाइन करोगे ऑब्जेक्टिव्स को कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पर्ट का यूज करना है ऑन दी अदर साइड हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क डिजाइनिंग होती है नेटवर्क डिज़ाइनिंग यहाँ पर कराई जाती है तीसरा हमारे पास यहाँ पर होता है इस केस में और नेटवर्क डिजाइनिंग आपका जो स्टेप है ये आपका लास्ट में चलता है तो इसको स्टेप्स के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या फिर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन उसको डिफाइन करते हैं डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव सेकंड हमारे पास यहाँ पर, पर आता है प्रिपरेटिंग या प्रिपेयरिंग द वर्क ब्रेक डाउन कि जब हम यहाँ पे जो वर्क है उसको ब्रेक डाउन करते हैं वर्क ब्रेक डाउन वर्क ब्रेक डाउन यहाँ पर किया जाता है ऑन द अदर साइड तीसरा यहाँ पे जो हमारे पास चलता है स्टेप वो होता है टाइम का एस्टिमेटर जो हम तीन तरीके के टाइम एस्टिटर की बात करें तो टाइम का एस्टिमेटर इसके अंदर हमारे पास आता है फोर्थ हमारे पास यहाँ पर आता है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क डिजाइनिंग जिसके अंदर हम नेटवर्क यहाँ पर डिजाइन करते हैं नेटवर्क डिजाइनिंग यहाँ पर हमारे पास होता है ये आपको पर्ट के लिए दिया जाता है अब ये पर्ट के अंदर अगर हम तीन तरीके के टाइम एस्टिमेशन हैं तो इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि तीन तरीके का टाइम एस्टिमेशन क्या है और क्या इसके फॉर्मूले होते हैं तो हमारे पास इस के तीन तरीके के जो फॉर्मले हैं जो एक यूज़ किया जाता है और इसको किसी टर्मिनोलॉजी से डिफाइन किया जाता है तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में डिफाइन करते हैं तो एक होता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक टाइम

दी मोस्ट लाइकली टाइप यहाँ पे मोस्ट लाइकली टाइम यहाँ पर आता है जिसको हम यहाँ पे टी एम कह रहे हैं टी एम से डिनोट किया जाता है अब यह क्या एस्टिमेट करता है यह एस्टिमेट करता है टाइम जो रिक्वायर होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस यानी कि अंडर द नॉर्मल सरकमस्टांसिस नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हम यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं तो मोस्ट लाइकली टाइप और एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम पैसिमिस्टिक टाइम पेसिमिस्टिक टाइम इज ए टाइम जो कि ये एस्टिमेट करता है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम कितना लगेगा लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम हमारा कितना लगेगा कितना रिक्वायर होगा किसी एक्टिविटी के कंप्लीशन में तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम दैट डिफाइंस द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी ऑन द अदर साइड मोस्ट लाइकली टाइम दट एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस ऑन द अदर साइड द पेसिमिस्टिक टाइम दैट डिफाइंस द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी देयर इज आल्सो ऑफ फॉर्मला इन ऑर्डर टू डिफाइन यहां पे पर्ट का अगर हमें टाइम एस्टिमेशन करना है तो पर्ट के लिए हम यहां पे जो टाइम एस्टिमेशन करें उसमें ये फार्मूला यूज कर सकते हैं टी ओ फोर टी एम प्लस टी पी विच इज फर्देड बाई इसका फॉर्मुला होता है एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए फॉर्मुले से रिलेटेड तो आप इसको यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्लियर यहाँ पे किसके लिए हो गया ये आपका पर्ट के लिए हो गया पर्ट के लिए हो गया ऑन दी अदर साइड आई वाइक टू शो यू यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमारे सीपीएम के अंदर भी आते हैं सीपीएम के अंदर भी कुछ स्टेप्स हमारे यहाँ पर होते हैं जो इसमें इंक्लूडेड है अब स्टेप्स हमारे सीपीएम के भी ऐसी है जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं इनके जो स्टेप्स आते हैं तो देखते हैं इसके कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सी पी एम की बात करें सी पी एम की बात करें तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू शो यू माई स्क्रीन हेयर। ओके इसके भी हमारे कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहती हूँ इसके स्टेप्स अब ये इस स्टेप इसके सिंपल है स्टेप इसकी बात करें तो अब इसमें हम तीन चार बातों का ध्यान रखेंगे सी जब भी हमें क्रिटिकल पाथ मेथड निकालना हो तो अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है मतलब सॉल्व इन द सेंस कि जब हमें क्रिटिकल पाथ यहाँ पर मेंशन uh, करना हो तो उस केस में सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पे पहले अपर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करे थे सिमिलरली सीपीएम के अंदर हम ये देखते हैं ये डिफाइन करते हैं कि रिक्वायर्ड टास्क क्या है और कैसे उसको और यहाँ पर ऑर्डर में लगाए इन अ सीक्वेंस लिस्ट यानी कि सबसे पहले डिफाइन किया जाता है रिक्वायर्ड टास्क डिफाइन किया जाता है कि हमारे पास रिक्वायर्ड टास्क क्या है एंड कैसे उसको पुट किया जाए पुट देम डाउन पुट देम डाउन इन एन ऑर्डर्ड put that down in order sequence list ordered sequence list सेकेंड हमारे पास से यहाँ पर आता है दैट क्रिएट द फ्लो चार्ट अब ये जो फ्लो चार्ट की बात करें क्रिएट करने का ये मैं खुद आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पर बनाते हैं और कोई अदर डायग्राम्स को और कोई कुछ अदर डायग्राम्स जो ये शो करे कि हर एक टास्क है

यहाँ पे डिटर्मिनेशन क्या जाता है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन का और एग्जीक्यूशन का अ ईच टास्क और फिर पांचवें स्टेप के अंदर हमें लोकेट करना पड़ता है डिवाइस करना पड़ता है अल्टरनेटिव या बैकअप प्लान मोस्ट क्रिटिकल पार्ट अब इसको करने के लिए ना हम यहाँ पर चार पांच चीजों का सहारा लेते हैं और वो क्या है चार पांच चीजों का सहारा तो यहाँ पर आ जाओ अब ये स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है यहाँ से आपके कंसेप्ट बन रहे हैं तो ये मैंने पेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे करवाया था तो ये देखो जरा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है और क्रिटिकल पाथ है अब वो कैसे यहाँ पे डिफाइन किया जाता है पहली बात तो अपने माइंड में अगर हम क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ बार बार यहाँ पर यूज करें तो पहले बात ये समझने की है जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना किसी भी नेटवर्क डायग्राम का उसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं ट इमेंस एज डिजन ऑफायर प्रोजेक्ट क्योंकि को बताने के लिए, हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करते हैं अगर कोई किसी भी एक्टिविटी यहाँ, यहाँ पर डिले होती है क्रिटिकल पाथ पे तो एंटायर प्रोजेक्ट के डिले होने के चांसेस होते हैं हर एक नेटवर्क एवरी नेटवर्क का अपना एक क्रिटिकल पाथ होता है

अब इसके अंदर इसको डिफाइन करते हैं अब जो जो मैं आपको कराऊंगी उसको आपको ध्यान से समझना है ये आपके लिए एक्सपेक्टेड है सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड में हम चार पांच चीज़ों का ध्यान रखते हैं पहले हम यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और नेटवर्क डायग्राम जो बनाया जाता है वो हमें एक्टिविटी के एक्टिविटी uh, से और उसकी ड्यूरेशन से बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम सबसे पहले Second, हमारे पास यहाँ पर आता है कि जिसके अंदर हमें यहाँ पर अर्ली स्टार्ट कैलकुलेट करना पड़ता है अर्ली स्टार्ट टाइम मतलब किसी एक्टिविटी को अगर आपको परफॉर्म करना है तो अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है एंड अर्ली फिनिश टाइम क्या होता है अर्ली फिनिश टाइम क्या होता है तो इसको हम यहाँ पर ई एफ टी से डिनोट करते हैं तीसरा हमारे पास यहाँ पर आता है लेट स्टार्ट टाइम क्या कहते हैं इसको लेट स्टार्ट टाइम किसी एक्टिविटी को अगर स्टार्ट किया तो लेट किया तो लेट स्टार्ट टाइम एल एस टी एल एस टी एंड लेट फिनिश टाइम लेट फिनिश टाइम ये इसके अंदर आता है जिसको हम एल एफ टी कहते हैं एल एफ टी यहां पर कहा जाता है इसके अलावा हम ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड में एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मनोलॉजी यूज होती है जिसको कहते हैं टोटल फ्लॉट क्या कहते हैं टोटल फ्लॉट फिफ्थ uh, हमारे पास यहां पर होता है जिसको कहते हैं फ्री फ्लोट फ्री फ्लोट और सिक्स हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट इंडिपेंडेंट फ्लॉट ठीक ये हमें ये हमें ये छह बातों का ध्यान रखना है जब भी हमें क्रिटिकल पाथ निकालने हैं इसमें अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू यहां पर टाइम ड्यूरेशन तो वो कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें छह बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये जो तो छह चीजें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने इस क्रिटिकल पाथ मेथड में इसको डिटरमाइन करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है एक्टिविटी टेबल अब मैं आपके लिए एक एक्टिविटी टेबल बना रही हूँ इसको कहते हैं एक्टिविटी टेबल एक्टिविटी टेबल यानी कि जब हम उस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है तो हम उस एक्टिविटी को का एक टेबल यहाँ पर बनाते हैं सपोज अभी देखो ये एक्टिविटी टेबल है मैंने इस तरीके से यहाँ पर बनाई है ठीक है ये होता है एक्टिविटी ये कोई भी एक्टिविटी है और ये दूसरी उसकी डोनेशन है कि कोई एक्टिविटी कितने समय तक यहां पर कंप्लीट हो सकती है तो अगर यहां पर जो एक्टिविटी है आपकी वन से लेके टू वन टू थ्री वन टू थ्री टू टू फोर थ्री टू फोर टू टू फाइव दैन फोर टू फाइव और इसका डोरेशन क्या है आपका थर्टीन टवेल्व टू एट फिफ्टीन एंड टू अब इस केस में यहाँ पर जो आप इसका डायग्राम बनाते हो सबसे पहले तो डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये एक्टिविटी है कोई भी एक्टिविटी वन से टू तक तो इसका डोरेशन कितना लग रहा है थर्टीन थर्टीन इसमें मिनट लग रहे हैं या आपका इसमें वन से थ्री है तो ट्वेल्व टू टू फोर टू थ्री टू फोर एट टू टू फाइव फिफ्टीन एंड फोर टू फाइव टू अब इस केस में सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना होता है तो डायग्राम कैसे बनाते हैं डायग्राम बनाया जाता है, बना है मान लो ये एक एक्टिविटी है एक एक्टिविटी है ये आपकी वन टू टू यहाँ तक चल रही है वन टू टू और सिमिलरली वन से लेके तीन तक जो एक्टिविटी है ये तो यानी कि टू टू एंड एक्टिविटी ये ऐसे आप डिफाइन करते हैं टू टू एंड एक्टिविटी अब 1 से लेके टू तक हमारे पास कितना ड्यूरेशन लग रहा है तेरा तो हम इसको ये जो हम बनाते हैं ना लाइन इसको भी लिखते हैं कि और ये क्या है आपकी एक्टिविटी एक एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करें वन से टू एंड वन से थ्री तो इसमें एक तेरा लग रहा है और दूसरा इसके अंदर आपके पास बारह जो ड्यूरेशन है वो इसमें लग रहा है बारह मिनट इसमें आप किसी एक्टिविटी को करने के लिए यूज कर रहे हैं सिमिलरली जब आप यहाँ पर कह रहा है कि टू टू फोर अब टू टू फोर क्या है टू से लेके फोर तक कोई एक्टिविटी अगर हम कंप्लीट करें तो टू टू फोर तो टू टू फोर के लिए कितना लग रहा है यहाँ पे टाइम यहाँ पर आपका दो दो मिनट मान लो कोई लग रहा है टू नेक्स्ट हमारे पास थ्री टू फोर थ्री टू फोर कितना लग रहा है थ्री टू फोर अगर देखें तो आठ देन टू टू फाइव देन टू टू फाइव कोई पांच एक्टिविटी है तो पांचवी एक्टिविटी को कितना लग रहा है टू से लेके फाइव तक तो ये हमारे पास पंद्रह लग रहा है और फोर टू फाइव यहाँ पर ये यह आपका टू लग रहा है तो आई होप आपको ये समझ रहा होगा कि मैंने कैसे एक्टिविटी टेबल का यूज uh, मतलब करा और कैसे मैंने नेटवर्क डायग्राम बनाया ये क्या कहलाता है ये मेरा नेटवर्क डायग्राम कहलाता है ये मेरा नेटवर्क डायग्राम है डायग्राम है ठीक है नेटवर्क डायग्राम है ये हमने बनाया अब ये हमें ध्यान रखना होता है कि कोई भी एक्टिविटी अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो इस केस में जो पहली एक्टिविटी होता है जो फर्स्ट एक्टिविटी होता है तो इसकी एक्टिविटी का जो आपका जो स्टार्टिंग होता है तो अर्ली स्टार्ट टाइम जो होता है वो जीरो होता है अर्ली स्टार्ट टाइम यहाँ पर जीरो होता है अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बना है इसी को इतना करने के बाद एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बना है इसके अंदर वो तो क्वेश्चन क्या कहता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Which among the are जो उसमें बिगन हो रहा है कि किसी घटना के प्रारंभ होने का क्या है तो अर्ली स्टार्ट टाइम अगर हम यहाँ पर एक्टिविटी की बात करें इस केस में इस केस में अगर हम एक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बनाया है इस केस में यहां पर जो अर्ली स्टार्ट टाइम होगा वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है जो प्रिड्यूस हमारा जो होता है एक्टिविटी का वो जीरो से स्टार्ट है तो ये हमारा कहना चाहता है ये डायग्राम तो जिसके वजह से हमारा ये क्लियर हुआ अब देखो इसमें कैसे हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं अब ये यहाँ पर जो डिटरमाइन किया जाता है इसको तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकालते हैं क्रिटिकल पाथ को कैसे निकाला जाता है जैसे कि एक पाथ हमारा वन टू 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 फाइव बनता है ये देखो एक पाथ हमारा क्या बन रहा है मैं इसके अंदर कोई दूसरा पेन यहाँ पर यूज करती हूँ जैसे कि ये एक पाथ हमारा क्या बन रहा है ये पाथ ये वन टू 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 फाइव वन टू 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 फाइव ये हमारा क्या कहलाता है ये हमारा कहलाता है एक क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ तो एक पाथ हमारे पास है एक पाथ हमारे पास ये है वन टू 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 फाइव दूसरा पाथ हमारे पास है 1 -2 -2, 1 -2 -2, 224, और 25. एक ये पाथ हमारा है जिसके अंदर एक तीसरा पाथ हमारे पास आता है तो मैं इसको इस दूसरे वाले पेन से यहाँ पर मैंशन करती हूँ दूसरा पाथ क्या है वन टू 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 फोर आपके पास देन फोर टू फाइव ये आपका इतना ये जो पाथ लगा ये आपका सेकेंड पाथ है क्रिटिकल ये आपका फर्स्ट पाथ है इसके अलावा ये हमारे पास तीसरा एक और आता है जिसके अंदर ये तीसरा जो पाथ है वन टू थ्री थ्री टू फोर देन फोर टू फाइव इतना लग रहा है अब ये क्या है ये आपका तीसरा पाथ है तो यानी कि हमारे पास टोटल तीन तरीके की क्रिटिकल पाथ है तीन तरीके की क्रिटिकल पाथ है तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पर तो एक तो पाथ हमारे पास निकल कर आया है क्रिटिकल पाथ जिसके अंदर हमारे पास वन टू 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 फाइव है तो इनका टोटल कितना आ जाता है टोटल इसके अंदर आता है सेकेंड हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ है इसके अंदर वन टू 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 फोर फोर टू फाइव है इसमें जिसके अंदर हम इसको प्लस करेंगे यानी कि एक से लेके दो तक दो से लेके पांच तक कितना समय लग रहा है तेरा प्लस पंद्रह तो ये हमारे पास कितना तो हम हैं हैं तो कि हफ्ते तो एक से दो एक्टिविटी को करने में और दो से पांच एक्टिविटी को यहाँ पर करने में, हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो अट्ठाईस वीक लग रहा है सिमिलरली एक से दो दो से चार चार से पांच को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास तेरह जमा दो जमा दो यानी कि सत्रह वीक का समय लग रहा है साथ के साथ क्रिटिकल में एक पाथ ये एक क्यों? तीसरा पाथ तीसरे पाथ में एक से तीन तीन से चार चार से पांच इसके अंदर कंप्लीट करने में बारह जमा आठ जमा दो यानी कि बाईस वीक चल रहा है यानी कि बाईस वीक तक हमारा समय लग रहा है अब इस केस में अगर हम देखेंगे जो क्रिटिकल पाथ होता है ना क्रिटिकल पाथ होता है लॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन लगा रहा है किसी काम को कंप्लीट करने में तो हमारे पास जो मैक्सिमम क्रिटिकल पाथ मतलब क्या होगा हमारे लिए इस पूरे नेटवर्क uh, डायग्राम में जो क्रिटिकल पाथ क्या होगा तो हमारे लिए जो क्रिटिकल पाथ होगा वो अट्ठाइस होगा क्योंकि इसमें अट्ठाइस वीक लगा रहा है किसी काम को करने के लिए ट्वेंटी एट वीक्स लग रहे हैं बिकॉज ट्वेंटी एट वीक टेकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम और विच इज विल बी द क्रिटिकल पाथ एज ई टेकिंग द लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट दी एक्टिविटी तो हमारे पास मैक्सिमम देखा जाता है तो अगर हम यहाँ पर क्रिटिकल पाथ की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू पर आप देख सकते हैं इस केस में अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट जिसमें हमने यहाँ पर इस इसको इससे डिफाइन करा कि यहाँ पर जो क्रिटिकल पाथ होता है हमारा वो क्या करता है लॉन्गेस्ट पाथ लगाता है लॉन्गेस्ट पाथ लगाता है जैसे कि सिमिलरली अगर हम एक्टिविटी ए एक की बात करें तो प्रसर एक्टिविटी वही कि जो आपकी अर्ली स्टार्ट की बात कर रहा है तो इस केस में प्रेजिस्टर एक्टिविटी में आप यहाँ पे डायरेक्टली वन एक्टिविटी का यूज करोगे ए एक्टिविटी है हमारी यहाँ पर एक एक्टिविटी है दो एक्टिविटी तीन एक्टिविटी मतलब टोटल कितनी एक्टिविटी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इतनी हमारे पास ये एक्टिविटी है आ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इस केस में यहाँ पर जो ए है एक्टिविटी उसका कितना टाइम एस्टिमेशन है चार अभी है एक्टिविटी कितना एस्टिमेशन है इसका तीन तो हमने इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाते गए ठीक है डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे डिफाइन करते गए साथ की साथ एक्टिविटी को अब uh, ये जो नेटवर्क डायग्राम है किसी पिक्चर के अंदर तो ये टाइम uh, का एस्टिमेशन होता है वीक के अंदर और ये स्पेसिफाइड किया जाता है इनसाइड द ब्रैकिंग इनसाइड द ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट के विद द एक्टिविटी एंड देर आर थ्री पॉसिबल पाथ फॉर दिस डायग्राम तो यहाँ पे तीन तरीके की पॉसिबल पाथ है तो तीन तरीके की पॉसिबल पाथ कौन से है एक तो ए से सी से एफ तक ए टू सी टू एफ तक हमारे पास पाथ है एक ये हमारे पास पाथ यहाँ पर बन रहा है ठीक है और दूसरा पाथ हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर ए टू डी टू जी बन रहा है ए टू डी टू जी हमारे पास बन रहा है ए टू डी टू जी हमारे पास ये पूरा पाथ बन रहा है ये आपका कहला रहा है जिसके अंदर चार जमा सात जमा दो है तेरह वीक लग रहे हैं बी टू टू जी बन रहा है जिसके अंदर ग्यारह वीक लग रहे है और इसके अंदर जो टोटल हमारे पास क्या होगा सबसे ज्यादा समय तेरह वीक लग रहा है तो सेकंड पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ होगा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एज इट मैं इन योर नोट्स क्लियर यहाँ पे नाउ For this network, the project duration time to complete the project 13 weeks. Then easy activity. ऑन द क्रिटिकल पाथ आर कॉल्ड द क्रिटिकल एक्टिविटीज और जिस पे जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारी जो इस पाथ पे जितनी भी एक्टिविटीज है जो आपकी, जो आपकी काम को करने के लिए ले रही है ज्यादा समय ले रही है जैसे कि हमारा जो हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया उसके अंदर क्रिटिकल पाथ था हमारा वन टू 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 फाइव तो इसके अंदर वन टू 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 फाइव वन टू फाइव जो एक्टिविटीज निकल कर आई ये हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी निकल कर आई क्योंकि ये आपकी सबसे ज्यादा समय ले रही है और ये ऐसी है जो डिले कर सकती है इस एक्टिविटी का जो डिले कर सकता है किसी एंटायर प्रोजेक्ट में ठीक है ये हमने इसको डिफाइन किया है इतना हमने यहाँ पे किया है ठीक है यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा ये हमने क्या करा सबसे पहले हमने जो डिफाइन करा वो आपका नेटवर्क डायग्राम बनाया और क्रिटिकल एक्टिविटी क्या है क्रिटिकल पाथ क्या है वो हमने यहाँ पर बनाया नाउ अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अब इसी इसी एक्सपेक्ट को क्योंकि आपने ये बना लिया नेटवर्क डायग्राम हमने समझ लिया कि क्रिटिकल पाथ कैसे यहाँ पे निकाला जाता है अब हम यहाँ पे अर्ली स्टार्ट टाइम निकालेंगे और अर्ली मतलब लेट स्टार्ट टाइम निकालेंगे अर्ली फिनिश टाइम निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसको आ, बनाते जाएंगे अब इसको बनाने का तरीका क्या है अब इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अब देखो जरा अब मैं इसके अंदर ऐसे डिफाइन करती हूँ जैसे कि ये आपकी पहली एक्टिविटी है जो पहली एक्टिविटी थी अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पे मैंशन करनी है दो चीज़ें क्या करनी है एक मुझे यहाँ पे अर्ली स्टार्ट टाइम देखना है और दूसरा मुझे यहाँ पर लेट फिनिश टाइम देखना है किसी एक्टिविटी का कि लेट कितना फिनिश होती है सिमिलरली मैं यहाँ पे एक्टिविटी दो के लिए यहाँ पे बनाऊंगी इसी तरीके से दो के लिए यहाँ पे बनाऊंगी इसी तरीके से तीन के लिए यहाँ पर ये यह जो पाँच आया था हमारा इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊंगी पाँच एक्टिविटी के लिए जो फिफ्थ वाली एक्टिविटी थी वन एक्टिविटी से थ्री एक्टिविटी तक का भी हम यहाँ पे बनाएंगे तीन के लिए ये यह हम यहाँ पे बनाएंगे सिमिलरली फोर्थ के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे ठीक है अब हम यहाँ पे दो चीज करेंगे एक हम फॉरवर्ड पास करेंगे और एक बैकवर्ड पास करेंगे फॉरवर्ड पास यहाँ पर होता है और दूसरा इसके अंदर बैकवर्ड पास यहाँ पर आता है दो चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है ठीक है तो फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास अब इस केस में हमारे पास ऐसे जैसे कि नेटवर्क डायग्राम बना तो आप लिख लो इसमें अर्ली स्टार्ट टाइम लेट फिनिश टाइम ठीक है अर्ली स्टार्ट टाइम लेट फिनिश टाइम अर्ली स्टार्ट टाइम इधर अर्ली स्टार्ट टाइम लेट फिनिश टाइम अर्ली स्टार्ट टाइम लेट फिनिश टाइम ठीक है इसको कन्वीनियंस के लिए आप बना लो अब पहले हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड पास की और हमें पता है जो एक से लेकर दो तक जो एक्टिविटी है इसको तेरह वीक लग रहे थे इसको मैं हाँ तेरह वीक लग रहे हैं इसको इसके अलावा ये जो एक्टिविटी थी इसको पंद्रह वीक लग रहे थे इस एक्टिविटी को चार से लेके पाँच तक जो एक्टिविटी हमारी थी इसको कितना समय लग रहा था चार से लेके पाँच तक इसमें हमारा दो हमारा समय लग रहा था दो हमारा समय लग रहा था तीन से लेके चार तक जो आपके पास एक्टिविटी थी इसको कितना समय लग रहा था तीन से चार आठ आठ हमारे पास लग रहा था ठीक है और इसके अलावा हमारे पास ये जो एक से लेके तीन एक्टिविटी थी इसमें बारह बारह वीक तक का समय लगा था ठीक है ये हमने इसको डिफाइन किया है इतना हमने किया है इसमें और टू टू फोर भी था तो टू टू फोर में कितना समय लग रहा था टू टू फोर में दो दो वीक का समय लग रहा था ठीक है यह ने नेटवर्क डायग्राम बनाया अब हम यहाँ पे अर्ली स्टार्ट और अ, लेट फिनिश लेट फिनिश टाइम की बात करेंगे अब जो अर्ली स्टार्ट टाइम लेट फिनिश टाइम क्या होगा सी जो भी एक्टिविटी हमारी यहाँ पर यहाँ पर किसी तरीके की एक्टिविटी जो यहाँ पे डिफाइन करी जाएगी इसको मैं यहाँ पे बनाती हूं अब मान लो अर्ली स्टार्ट टाइम क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है जो प्रेजिस्टर हमारी एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होता है क्योंकि वो जीरो से बिगन करती है कोई भी काम को अगर करा जाता है पहले शुरुआत करी जाती है तो शुरुआत वो जीरो से स्टार्ट होता है है ना तो जो शुरुआत होगी हमारी पहली एक्टिविटी की तो वो उसमें टाइम क्या होगा इधर हम यहाँ पे जीरो मैशर करेंगे अर्ली स्टार्ट टाइम हमारी जीरो होगी अब इसमें ट्विस्ट क्या है जो हमारी पहली एक्टिविटी होती है अर्ली स्टार्ट टाइम और उसको जब दूसरी एक्टिविटी करना होता है तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे प्लस किसको करेंगे प्लस यहाँ पे आप तेरह करेंगे यानी कि इस तेरह वीक को जब हम यहाँ पे अर्ली स्टार्ट टाइम अगर पहली एक्टिविटी का देखें और जिसमें हमारा तेरह वीक लग रहा है और उसको यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए पहली एक्टिविटी को फिनिश करना पड़ेगा सी अगर कोई एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी है उसको सेकेंड एक्टिविटी को कंप्लीट मतलब उसमें सेकेंड एक्टिविटी तक जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पहली वाली एक्टिविटी को कंप्लीट करना पड़ेगा तो पहली वाली एक्टिविटी को कंप्लीट करोगे तभी सेकंड में जाओगे तो इस केस में अगर अर्ली स्टार्ट टाइम मेरा जीरो है तो उसके अंदर तेरह जमा करना पड़ेगा तो मेरा यहाँ पे यहाँ पे तेरह यहाँ पर आ जाएगा तेरह यहाँ पर आ जाएगा ये तेरह क्या होगा ये सेकंड वाली एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम होगा क्योंकि मुझे फर्स्ट एक्टिविटी से Uh, को कंप्लीट uh, करने पे ही मेरी कंडीशन है कि मैं सेकंड एक्टिविटी में जाऊंगी तो इस केस में यहाँ पर अगर ये आपका स्टार्टिंग में जीरो है तो उसको तेरह वीक लगेंगे तो हमारे तेरह वीक तक हम यहाँ पर इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे तो ही हम दूसरे पड़ाव पे जाएंगे तो हमारे पास ये जो दूसरी एक्टिविटी है वो हमारी क्या हो जाएगी थर्टीन थर्ट दूसरी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम तेरह हो जाएगा ठीक है सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे इसमें अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर अगर दूसरी एक्टिविटी से पांचवी एक्टिविटी तक uh, उसको जाना है तो उस केस में वो क्या करेगा यहाँ पर जमा करेगा किसको जमा करेगा तेरह को और पंद्रह को क्यों क्योंकि तेरह एक्टिविटी आपकी जो तेरह यहाँ पर जो लगा है अर्ली स्टार्ट टाइम अगर अर्ली स्टार्ट टाइम आपका यहाँ पर तेरा है दूसरी एक्टिविटी के लिए तो अगर उसे पांचवी एक्टिविटी कंप्लीट करना है तो तेरह जमा पंद्रह तेरह जमा पंद्रह तो मैं यहाँ पे लिखती भी जा रही हूँ कि कैसे कैसे मैं प्लस कर रही हूँ तेरह जमा पंद्रह तो तेरह जमा पंद्रह कितना हो जाएगा अट्ठाइस इसके अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो जमा तेरह तो ये कितना हो गया यहाँ पे तेरह अब तेरह जमा पंद्रह यानी कि अट्ठाईस हमारे पास क्या हुआ अट्ठाइस ये मैं क्या निकालू मैं फॉरवर्ड पास निकाल निकालू ये सारे फॉरवर्ड पास मतलब आगे आगे बढ़ते बढ़ने के लिए हम कैसे किसी काम को कर रहे हैं तो अगर एक एक्टिविटी को से दूसरे एक्टिविटी तक जंप करना है तो पहली एक्टिविटी को कंप्लीट करना पड़ेगा तो वो पहली एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा दूसरी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा तो मैं फॉरवर्ड पास निकाल रही लू तो यहाँ पर आपका पांचवे एक्टिविटी के लिए अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा अट्ठाइस होगा ठीक है सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ पर आ, मतलब ये अट्ठाइस है आपका अर्ली स्टार्ट टाइम पांच एक्टिविटी अब ये इसको मैं यहाँ पर जाना चाहती हूँ आगे इस केस में अब इसको आगे इसको, आगे इसको डिटेल में समझना है तो यहाँ पर देखो जब आपकी यहाँ पर जो एक्टिविटी है ये इस एक्टिविटी में कि जिसमें हमारे पास ये जो एक्टिविटी है अर्ली स्टार्ट टाइम तीसरी एक्टिविटी के लिए वो कितना है जीरो जीरो जमा बारह तो कितना हो जाएगा बारह क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रही है पहली एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी और पहली एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी तो यही आपका है अगर अर्ली स्टार्ट टाइम पहली एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी में जाना है तो हमारा जीरो है तो जीरो जमा बारह कितना हो जाएगा यहाँ पर बारह बारह यहाँ पर आ गया ठीक है हमारा पर आ गया अब सिमिलरली जब हमें इसको आगे बढ़ना है तो अगर हमें यहाँ पे तीन एक्टिविटी से चार एक्टिविटी तक जाना है तीसरी एक्टिविटी से चौथी एक्टिविटी तक जाना है तो तीसरी एक्टिविटी से चौथी एक्टिविटी के लिए क्या करूंगी बारह जमा आठ करूंगी बारह जमा आठ करूंगी तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा बारह जमा आठ करने पर बीस आ जाएगा बीस आ जाएगा ठीक है क्योंकि तीन से लेके चार एक्टिविटी तक गई मैं अब मेरे पास क्या है यहाँ पर दो से लेके चार तक था तो दो से लेके चार तक था तो अगर ये हमारा आपका इस केस में दो से लेके तक एक्टिविटी हमारा था तो उसमें कितना डोनेशन लग रहा था दो से चार दो से चार में दो अब इस केस में जब हम इसको डिफाइन करेंगे इसको बनाएंगे चौथी एक्टिविटी के लिए चौथी हो गया हमारा यहाँ पर ये हमारा तीसरी हो गया ये हमारा पांचवा हो गया तो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये हमारी चीजें बन गई तो जीरो यहाँ पे थर्टीन आ गया यहाँ पे हमारा ट्वेंटी आ गया यहाँ पर हमारा ट्वेल्व आ गया यहाँ पे हमारा आ गया मतलब हमारा पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया ठीक है कैसे दो से चार यहाँ पर जो एक्टिविटी हमारी गई है ये हमने डिफाइन किया है इसको ठीक है है ये ये हमने हमने पे डिफाइन करा इस किया है इस केस में ठीक है तो ये हमारा यहाँ पर आता जा रहा है बनता जा रहा है तो हमारे पूरे अर्ली स्टार्ट टाइम हमारे बंद गए अब आपके पास कुछ नहीं बचा तो ये हमारे क्या था फॉरवर्ड पास तो ये देखो कंडीशन क्या है फॉरवर्ड पास निकालने की तो इसको देखो जरा इस केस को देखो जरा ये फॉरवर्ड पास फॉरवर्ड पास क्या कहलाता है फॉरवर्ड पास जो निकालते हैं ये एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए होता है यानी कि अर्ली स्टार्ट टाइम निकालने के लिए होता है फॉरवर्ड पास वी कंप्यूट द दर्स टाइम एज एन इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू अकर Which in the time. Time के हमारा जो टाइम होता है कि किसी के स्टार्ट होने की जो एक्टिविटी वो दूसरी एक्टिविटी के डिपेंड uh, uh, late, uh, करता है उसके टर्मिनेटिंग लॉन्गेस्ट पाथ इन टाइमियस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर दैट इवेंट टू अकर डूरिंग दी फॉरवर्ड कैलकुलशन कैलकुलेट किया जाता है तो ये आपको के किया जा कि जिसके को एक एक्टिविटी थी उसके अंदर ड्यूरेशन कितनी लग रही थी तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं ये देखो जरा एक एक्टिविटी इसको कितना ड्यूरेशन लग रहा था यहां पर तो यहां पे जो ड्यूरेशन इस एक्टिविटी को लग रहा था वो ईटी वन यानी कि ई आपका कितना था जीरो क्योंकि इवेंट हमारा किसी भी स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और इी यानी कि अर्ली जो अर्लीस्ट जो टाइम है जो हम निकाल रहे हैं सेकेंड एक्टिविटी के लिए तो उसमें फर्स्ट एक्टिविटी अ, को जमा करना पड़ेगा उसकी ड्यूरेशन के साथ तो यानी कि जमा चार करना पड़ेगा जीरो जमा चार करना पड़ेगा ठीक है तो इस केस में जीरो जमा चार करेंगे तो चार इसका आएगा अगर किसी अ, तीसरी एक्टिविटी का हमें टाइम अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है तो ईटी वन को जमा करना पड़ेगा डी वन थ्री से डी वन थ्री से डी वन थ्री से हमें जमा करना पड़ेगा यानी कि ड्यूरेशन से यहाँ पे जमा करना पड़ेगा तो इस केस में हम कैसे जमा करें इसमें जीरो प्लस थ्री जीरो प्लस थ्री यहाँ पर किया जा रहा है जीरो प्लस थ्री यहाँ पर किया जा रहा है देखो जीरो प्लस थ्री यहाँ पर किया जा रहा है जीरो प्लस थ्री यहाँ पर कर रहे हैं तीसरी एक्टिविटी के लिए ठीक है जो मतलब यही आपको ये कह रहा है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी भी हमें यही करिए और हम इसको कैसे डिफाइन करें वो हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड से समझा है ठीक है समझ आ रहा है सारी चीजें अब देखो इसमें और आगे क्या आता है अब हमारे पास क्या है जब हमने इसको बना लिया अब हमने क्या निकाला ये हमने फॉरवर्ड निकाला यानी कि फॉरवर्ड निकाला अब हम इसको बैकवर्ड निकालते हैं क्या निकालते हैं इसमें बैकवर्ड निकालते हैं अब इसके बैकवर्ड को निकाला जाता है अब बैकवर्ड कैसे निकालते हैं किस तरीके से डिफाइन करते हैं तो बैकवर्ड निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डी निकालना पड़ेगा यानी कि ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा तो ड्यूरेशन इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले कलर से लिख लेते हैं अलग से तो ये जो डी टू है जैसे कि मान लो डी वन टू है वो तेरह है डी वन टू यहाँ पर कितना है थर्टीन है कितना आता है थर्टीन आता है वाई डी वन टू थ्री थर्टीन क्यों है क्योंकि वही है कि ड्यूरेशन ऑफ वन टू एक्टिविटी तो वन टू एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है तेरह वन से लेकर टू तक एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है तेरह वीक वन से लेके थ्री एक्टिविटी तक का जो ड्यूरेशन है वो कितना है वन से लेके थ्री एक्टिविटी तक ड्यूरेशन कितना है यहाँ पर बारह वीक बारह वीक तो हमने ये डिफाइन कर दिया बारह वीक सिमिलरली यहाँ पर जो आपका है इस केस में ड्यूरेशन ऑफ थ्री टू फोर तो ड्यूरेशन ऑफ थ्री टू फोर ये हमारा थ्री टू फोर कितना है कितना समय लग रहा है ये हमारा समय लग रहा है यहाँ पर आठ ठीक है तो हम इसको भी बनाते जा रहे हैं साथ के साथ आठ लग रहा है सिमिलरली ये हमारे पास जो एक्टिविटी लग रही है इस केस में यहाँ पर चार से लेके पांच तक आ, ये जो हमने एक्टिविटी लगाई है तो इसका ड्यूरेशन क्या है ड्यूरेशन ऑफ फोर टू फाइव कितना लग रहा है यहाँ पर दो वीक दो वीक लग रहा है ये हम इसमें ग्रीन से मार्क करा है दो से लेके पांच तक कितना समय लग रहा है ड्यूरेशन ऑफ डी टू फाइव यहाँ पे हमारा लग रहा है तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं अब इसमें दो से लेके चार तक जो समय लग रहा है डी डी टू फोर वो कितना लग रहा है दो वीक तक तो हमने इसको पूरा पहले ऐसे बना लिया ठीक है मतलब ये ड्यूरेशन आ गई तो आगे ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हम इसको यूज करेंगे आगे हमने डी वन थ्री डी वन थ्री डी टू कैसे लिखा आई होप समझ आ गया होगा अब आगे देखो अब क्या है ये तो हमने फॉरवर्ड पास के लिए अभी तक जितना किया अब हमें बैकवर्ड पास जाना है यानी कि बैकवर्ड पास कहा से स्टार्ट करेगी लास्ट एक्टिविटी से लास्ट एक्टिविटी से फिर पहली एक्टिविटी की तरफ पहुंचेगी अगर फॉरवर्ड हमारी पहले से लास्ट में जा रहा है तो बैकवर्ड हमारी पीछे से आगे की तरफ जा रहा है तो इस केस में जो फिफ्थ एक्टिविटी हमारी है तो इसके अंदर हमारे पास जो लेट फिनिश टाइम क्या होगा तो लेट फिनिश टाइम इसके लिए जो हमारे पास होगा इसको हम इससे मार्क करते हैं इस वाले कलर से पर्पल से तो लेट जो फिनिश टाइम है वो हमारा कितना होगा अट्ठाइस क्योंकि लेट तक हमारे अट्ठाइस से फिनिश हुआ है दूसरा वाला कलर ले लेते हैं यहाँ पर जो चीज़ों को समझने में आसानी हो ये वाला तो हमारे पास कितना है यहाँ पर अट्ठाइस है ठीक है ये क्या है लेट फिनिश टाइम लेट फिनिश टाइम किसी एक्टिविटी का तो कब तक वो खत्म हुई है एक्टिविटी तो वो हमारे अट्ठाइस है अब इसके अंदर माइनस करते रहेंगे ठीक है अब इसको हम यहाँ पर अब इसके अंदर हम यहां पर इसको माइनस करेंगे यानी कि इस 28 को माइनस करेंगे दो से तो हमारा लेट फिनिश टाइम लगेगा लेट फिनिश टाइम हमारा निकलेगा तो अगर हम इसको 28 को माइनस करेंगे दो से तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा छब्बीस तो छब्बीस क्या होगा ये आपका बैकवर्ड पास होगा तो यानी कि इसको माइनस करते जा रहे हैं अट्ठाइस माइनस दो छब्बीस तो इसको आप लिख सकते हैं अट्ठाइस माइनस दो छब्बीस ठीक से चार तक हमें जाना है तो छब्बीस करेंगे इसको इससे यहाँ पर तो छब्बीस को अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे इस केस से तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास छब्बीस माइनस आठ क्योंकि यहां से जा रहे हैं छब्बीस को माइनस करेंगे आठ से तो छब्बीस को माइनस करेंगे आठ से 28 के अंदर जब हमने दो माइनस करा तो छब्बीस आ गया देन को 8 से माइनस कर देंगे so कितना तो कितना कितना डोनेशन आएगा यहाँ पर तो हमारे पास छाछ यहाँ पर आएगा छ आएगा लेकिन हम छे को इधर लिखेंगे इस साइड लिखेंगे आएगा हमारे पास क्योंकि अठारह को जब मैं माइनस करियू बारह से अठारह को यहाँ पर माइनस करियू बारह से तो कितना आएगा छ आएगा छ आएगा देन देन आगे क्या है आगे हमारे पास इसको और आगे करेंगे और इसमें करेंगे इसको तो सी अगर हम इसमें इस सेकंड वाले एक्टिविटी के लिए करेंगे तो फिर से सेकंड वाले एक्टिविटी के लिए क्या कर, कर सकते हैं इसमें क्योंकि ये पांच से यहाँ पे दो की तरफ जा रहा था पीछे की तरफ जा रहा था तो इस केस में इसको माइनस करें अगर हम तो इसमें अट्ठाइस को यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे इससे तो हमारे पास कितना आएगा तेरा तेरह आ जाएगा अट्ठाईस माइनस पंद्रह तेरह क्योंकि हम पीछे पीछे जा रहे हैं पीछे पीछे जा रहे अट्ठाईस माइनस पंद्रह तेरह तेरह आ गया और इस केस में जब हम यहाँ पर पीछे और गए यानी कि तेरह में तेरह माइनस कर दिया तो हमारे कितना आ गया जीरो आ गया तो मतलब आपको समझ आए किस तरीके से हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं कैसे यहाँ पर बनाया है तो हमारे पास ये जो लेट फिनिश टाइम है वो हमारा कैसे यहाँ कैलकुलेट हुआ है ये हमने समझा है ठीक है माइनस माइनस करते जा रहे हैं तो एक हमने अर्ली स्टार्ट टाइम अभी बनाया जो हमारा फॉरवर्ड पास था और हमने लेट फिनिश टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करे सभी एक्टिविटी के लिए तो ये सभी एक्टिविटी के लिए लेट फिनिश टाइम हमारे तक calculate तो आपको तक कैलकुलेट गया तो आई होप आपको समझ आ होगा ये जितना भी हमने किया है अब हम आगे क्या करेंगे इन सभी तरीके की एक्टिविटी का एक आ, चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि कैसे जो अर्ली स्टार्ट टाइम हमने निकाला है जो लेट हमने यहाँ पर ओके सो नाउ वी विल कैलकुलेट मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मोर इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग जिसमें हम यहाँ पर तीन चार चीज़ें करेंगे तो यहाँ पर आ जाओ सबसे पहले अब हमें क्या है हमें अर्ली स्टार्ट टाइम पता चल गया किसी एक्टिविटी का लेट फिनिश टाइम पता चल गया ये हमारी दो चीज़ होगी अब हमें यहाँ पर बनाना है जिसके अंदर हमें यहाँ पर कैलकुलेट uh, करना है वो हमारे पास है लेट स्टार्ट टाइम यानी कि लेट स्टार्ट टाइम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और अर्ली फिनिश टाइम हमें कैलकुलेट करना है अर्ली फिनिश टाइम अब ये चीजें हमारे पास ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको इसको बनाएंगे टेबल बनाएंगे तो इस टेबल के अंदर सारी चीज लिखेंगे पहले सिस्टमेटिकली तरीके से तो हमारे पास पहले है एक्टिविटी देन उसके अलावा हमारे पास डूरेशन है डूरेशन होने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ई एस टी है अर्ली स्टार्ट टाइम अर्ली फिनिश टाइम हमें निकालना है लेट आपके पास ये जो है लेट स्टार्ट टाइम और इसमें हमारे पास आएगा लेट फिनिश टाइम जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे टोटल फ्लॉट और ये फ्री फ्री फ्लॉट फ्री फ्लॉट ठीक एक्टिविटी क्या है हमारे पास वन टू टू वन टू थ्री टू टू फोर थ्री टू फोर टू टू फाइव फोर टू फाइव डोरेशन क्या थी एक्टिविटी फर्स्ट से लेके सेकेंड तक थ्री थर्टीन वीक्स ट्वेल्व वीक्स टू वीक्स एट वीक्स फिफ्टीन वीक्स एंड टू वीक्स अर्ली स्टार्ट टाइम क्या था किसी एक्टिविटी का कंप्लीशन का uh, यहाँ पर तो अर्ली स्टार्ट टाइम किसी एक्टिविटी को बिगन करने का तो जब हम यहाँ पर कैलकुलेट uh, करे थे वो जीरो था वन uh, से लेकर थ्री तक जो अर्ली स्टार्ट टाइम हमारे पास निकल कर, कर आया वो आपके हाँ पास ज़ीरो आया <coughs> uh, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी जो बिगन हो रही थी वो वन से टू वन टू थ्री आ रही थी तो उसका अर्ली स्टार्ट टाइम आपका सेम होगा प्रोड्यूसर आपका जीरो यहाँ पर होगा तो ज़ीरो वाली स्टार्ट टाइम इसके अलावा हमारे पास टू टू फोर जो है इसका जो टाइम होगा थर्टीन ये ट्वेल्व होगा ये आपका थर्टीन होगा ये ट्वेंटी होगा विच वी हैव ऑलरेडी डन विद हमने ऑलरेडी इसको कर लिया है ठीक है अब हमारे पास क्या आता है यहाँ पर इसको करने के बाद इसको, इसको लिखने के बाद सभी अली स्टार्ट को डिफाइन करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम आता है नेक्स्ट काम क्या है जिसके अंदर हमें एल एस टी लिखना है यानी कि किसी एक्टिविटी का आ, यहाँ पर लेट स्टार्ट टाइम और एल एफ टी तो पहले एल एफ़ टी लिख लेते क्योंकि एल एफ़ टी हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर लिया है तो एल एफ़ टी कितना है हमारे पास तो एल एफ टी के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे लेट फिनिश टाइम एक्टिविटी तो एक्टिविटी वन टू टू का लेट फिनिश टाइम कितना है वन टू टू का लेट फिनिश टाइम कितना है यहाँ पर तो लेट फिनिश टाइम थर्टीन है ठीक है वन टू टू का थर्टीन है लेट फिनिश टाइम एक्टिविटी वन टू थ्री का कितना है फ्रेंड्स वन टू थ्री का यहाँ पर एटीन है अठारह एटीन देन टू टू फोर का कितना है टू टू फोर का टू टू फोर का ट्वेंटी सिक्स देन 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 थ्री टू फोर थ्री टू फोर ट्वेंटी सिक्स अगेन देन टू टू फाइव ट्वेंटी ए देन ट्वेंटी ए ये हमारे पास निकल कर आया अब हम क्या करेंगे अर्ली फिनिश टाइम करेंगे एक्टिविटी का तो अर्ली फिनिश टाइम कैसे निकालते हैं जो अर्ली फिनिश टाइम होता है ना इसके लिए जो अर्ली स्टार्ट टाइम होता है हमारा अर्ली स्टार्ट टाइम इसको जमा कर देते हैं प्लस कर देते हैं उसकी ड्यूरेशन के साथ ड्यूरेशन के साथ हम यहाँ पे प्लस करते रहते हैं और जो लास्ट यानी कि जो हमारे पास जो एक्टिविटी है जो हमारी लेट स्टार्ट टाइम है तो लेट स्टार्ट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लेट फिनिश टाइम कितना हमें बस लग रहा है उसको माइनस करते हैं उसके ड्यूरेशन के साथ ठीक है ये हम निकालते हैं तो इस केस है ई एफ टी को कैलकुलेट करना है तो ई एस टी प्लस डी तो ई एस टी प्लस डी कितना है ई एस टी तो हमारे पास जीरो प्लस थर्टीन यानी कि थर्टीन देन वन टू थ्री के लिए कितना आएगा वन टू थ्री जिसमें ई एस को डोरेशन के साथ जमा कर रहे हैं तो हमारे पास कितना यहाँ पर है इसमें ट्वेल्व ट्वेल्व है हमारा ट्वेल्व है ये देखो ट्वेल्व डोरेशन, जीरो प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व देन टू टू फोर के लिए कितना है टू टू फोर ये हमारे पास टू है यहाँ तक हमारा फोर है तो टू टू फोर के लिए कितना हमारे पास बनेगा जिसके अंदर हम ई को जमा करेंगे ई को जमा करेंगे यहाँ पर उसके डोनेशन के साथ टू टू फोर तो टू टू फोर के लिए हमारे पास जो प्लस होएगा वो क्या बनेगा थर्टीन प्लस टू यानी कि फिफ्टीन ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है तो ये ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी एट है ये ट्वेंटी टू है क्योंकि फोर टू फाइव है फोर से फाइव है तो फोर से फाइव है अर्ली स्टार्ट टाइम कितना लग रहा है बीस जमा दो यानी कि ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू अब लेट स्टार्ट टाइम कैसे निकालेंगे तो किसी एक्टिविटी का लेट स्टार्ट टाइम ये तो हो गया हमारा अर्ली फिनिश टाइम किसी एक्टिविटी को फिनिश होने में अर्लीस्ट तो अगर हम वन टू टू में करेंगे तो अर्लीस्ट तेरह वीक लग रहे हैं अगर हम यहाँ पर आपका वन टू थ्री करेंगे तो अर्लीएस्ट बारह मिनट सॉरी बारह वीक लग रहे हैं बारह वीक लग रहे हैं टू टू फोर की करेंगे तो इसमें पंद्रह वीक लग रहे हैं इस तरीके से अब जब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना हो एल यानी कि लेट फिनिश टाइम माइनस करेंगे डी से तो वो कितना होगा लेट फिनिश टाइम माइनस करेंगे डी uh, से फर्स्ट एक्टिविटी के लिए तो लेट फिनिश टाइम माइनस करेंगे डी से तो थर्टीन माइनस थर्टीन जीरो नेक्स्ट लेट फिनिश टाइम डी से लेट फिनिश टाइम को डी से ड्यूरेशन तो कितना आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास सिक्स अठारह माइनस बारह ठीक है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाएंगे इसको तो मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ एटीन ये थर्टीन ये ट्वेंटी सिक्स ये पता है कैसे आया हम कैसे इसको कैलकुलेट करें तो इस केस में हमारे पास जो लेट फिनिश टाइम है उसको जब हम माइनस करें उसके डोरेशन के साथ तो माइनस करें उसके ड्यूरेशन के साथ अट्ठाइस माइनस दो छब्बीस तो इस तरीके से ये छब्बीस आ गया लास्ट में ठीक है अब हमें यहाँ पे टोटल फ्लॉट लगाना है वट इज फ्लॉट अब इस फ्लॉट की थोड़ी सी डेफिनेशन uh, समझ रहे थे कि फ्लॉट होता क्या है आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा अब हमें फ्लॉट देखना है फ्लॉट कैसे हैं अब हम बैक टू थियोरी आते हैं ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है फ्लॉट होता है यहां पर जिसके अंदर हम यहां पर इसको कैलकुलेट करते हैं द ऑफ फ्लॉट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर इट इज़ अ टाइम अवेलेबल फॉर द एक्टिविटी इन एडिशन टू ड्यूरेशन टाइम कितना टाइम अवेलेबल है किसी एक्टिविटी का इन एडिशन टू द ड्यूरेशन टाइम तो वो हमारा फ्लॉट कहलाता है यहाँ पर जो टोटल फ्लॉट होता है ना टोटल फ्लॉट एक टाइम बाय विच एन एक्टिविटी में भी डिलेलेड और एक्सटेंडेड विदाउट अफेक्टिंग द टोटल प्रोजेक्ट डोरेन की एक ऐसी एक्टिविटी की जो कि आपकी डिले uh, और एक्सटेंड होए बिना यहाँ पर विदाउट अफेक्टिंग द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है यानी कि इस तरीके की एक्टिविटी बाई विच एन एक्टिविटी मे बी डिलेड और एक्सटेंडेड विदाउट डिलिंग अगर वो डिले होगी या एक्सटेंड होगी तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे कुछ खास हम उसके फर्क नहीं पड़ता तो अगर हम टोटल फ्लॉट यहाँ पर निकालते हैं तो टोटल फ्लॉट को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे एल टी माइनस करते ई टी से माइनस करते डी डी से ड्यूरेशन से अब इसको सिंपलीफाई करके समझते हैं तो अगर इसकी डेफिनेशन देखिए फ्लॉट की तो फ्लॉट हमारे पास एक अमाउंट ऑफ टाइम है कि वो अवेलेबल है किसी एक्टिविटी का इन एडिशन टू इथ ड्यूरेशन टाइम इन एडिशन टू इथ ड्यूरेशन टाइम तो फ्लॉट इज कंप्यूटेड इन रिलेशन टू द एक्टिविटी हमेशा निकाला जाता है अब इसी को समझने के लिए हम कैसे निकालेंगे तो इसको आपके लिए काम आसान करने के लिए अगर एग्जाम में आपको टोटल फ्लॉट निकालने के लिए दे दे इन केस तो टोटल फ्लॉट को आपको निकालना पड़ता है जिसमें आप यहाँ पे इसको फॉर्मूला यूज़ करते हैं टोटल फ्लॉट के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल फ्लॉट जिसका फॉर्मूला क्या है एल एफ टी माइनस ई एफ टी ये इसका फॉर्मूला है यानी कि जब एल एफ टी को यानी कि लेट फिनिश टाइम को माइनस कर दे अर्ली फिनिश टाइम से तो वो हमारा टोटल फ्रॉड बन जाता है ये हमारा क्या है टोटल फ्रॉड है तो लेट फिनिश टाइम को माइनस करते अर्ल, अर्ली फिनिश टाइम से इसको इसको माइनस करेंगे ज़ीरो इसको इसको माइनस करेंगे सिक्स ये हमारा इलेवन ये हमारा सिक्स ये हमारा जीरो ये हमारा सिक्स आई होप इतना आपको समझ आ गया कि कैसे मैंने किया कि जब अर्ली यहाँ पर जो हमें टोटल फ्रॉड निकालने के लिए लेट फिनिश टाइम को माइनस करना पड़ता है अर्ली फिनिश टाइम से तो हमारा टोटल फ्रॉड बन जाता है किसी एक्टिविटी का क्योंकि टोटल फ्रॉड किसकी बात करता है टोटल फ्रॉड टॉक्स अबाउट अकॉर्डिंग टू तो डेफिनेशन जो हमें ये कहता है कि जो टोटल फ्लॉट है वो हमारा क्या है एक तरीके से इट्स अ अमाउंट ऑफ द टाइम दैट इज अवेलेबल फॉर एन एक्टिविटी इन एडिशन टू इज द टाइम तो उस केस में हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ता है एल एफ टी को ई एफ टी से ठीक है अब इसके अंदर आ जाओ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट आता है जिसके अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिपेंडेंट फ्लॉट के बारे में भी कि इंडिपेंडेंट फ्लॉट क्या होता है और फ्री फ्लॉट क्या है क्योंकि टोटल फ्लॉट हमें एक ऐसी टाइम एक्टिविटी बताती है जो कि डिले हो सकती है एक्सटेंड हो सकती है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो हमने यहाँ पे टोटल फ्लॉट निकाला एक होता है फ्री फ्लॉट फ्री फ्लॉट किसको कहते हैं फ्री फ्लॉट एक ऐसा टाइम बाय व्हिच एन एक्टिविटी मे बी डिलेड और एक्सटेंडेड विदाउट डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ एनी सक्सीडिंग एक्टिविटी तो विदाउट डिले एंड विदाउट एक्सटेंडिंग द स्टार्ट ऑफ द एनी सक्सीडिंग एक्टिविटी तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्री फ्लॉट लगाते हैं तो फ्री फ्लॉट यहाँ पे कैसे किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है इसका फॉर्मुला होता है जिसके अंदर हम इ टी जिसमें अर्ली स्टार्ट टाइम को यहाँ पे माइनस किया जाता है यहाँ पे इटी वन से और माइनस किया जाता है उसकी ड्यूरेशन से अब वो कैसे यहाँ पे करेंगे इसको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाओ जैसे कि अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फ्री फ्लॉट को तो फ्री फ्लॉट के लिए हमारे पास फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्री फ्लॉट जिसमें हम क्या करें ई एस टी टू अर्ली स्टार्ट टाइम फॉर द एक्टिविटी टू माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम फॉर द एक्टिविटी वन विच इज़ फर्दर यहाँ पर माइनस फाइव जी टू तो अगर फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हम करेंगे तो इस केस के लिए थर्टीन माइनस जीरो माइनस थर्टीन हो जाएगा क्योंकि अर्ली स्टार्ट टाइम फॉर द एक्टिविटी वन इज़ थर्टीन एक्टिविटी टू इज थर्टीन एंड अर्ली स्टार्ट टाइम फॉर द एक्टिविटी वन इज़ ज़ीरो पर और उस केस में हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे उसकी डोरेशन से थर्टीन तो इसको करो जरा कैसे आप सॉल्व करोगे तो फ्री फ्लोट हमारे पास क्या होगा ज़ीरो आ जाएगा ज़ीरो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हम किस तरीके से करते हैं इसमें हमें सिमिलरली आगे के लिए करना है अब इसमें ट्वेल्व माइनस ज़ीरो माइनस ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस जीरो माइनस ट्वेल्व क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो बात करी जा रही है हमारी इसको कैलकुलेट करने की तो ट्वेल्व माइनस जीरो माइनस उसका ड्यूरेशन ट्वेल्व इसको माइनस करेंगे ठीक है तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहां पर हमारे पास जीरो नेक्स्ट अब इस केस में नेक्स्ट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस टू ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस टू तो हमारे तीसरी एक्टिविटी के लिए हमारे पास जो आएगा इसमें वो पांच आएगा ठीक है नेक्स्ट ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व माइनस एट तो ज़ीरो ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस फिफ्टीन तो उस केस के लिए हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर ज़ीरो देन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी माइनस टू तो उस केस के लिए सिक्स तो हमारे पास कितना फ्री फ्रॉड पचा जीरो ज़ीरो फाइव ज़ीरो ज़ीरो सिक्स इस तरीके से आया तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपके लिए कर देती हूँ ताकि आपको इल्यूजन ना क्रिएट हो इस टेबल का देखते हुए तो आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में आई होप आपको समझ होगा कैसे मैंने कैलकुलेट किया इस केस में ठीक okay. नेक्स्ट अब हमें यहां पर किसके लिए कैलकुलेट करना है नेक्स्ट हमें यहां पे जो कैलकुलेट करना है वो यहां पर आप जो कैलकुलेट करेंगे वो है इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉड अब इस इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉड के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है अब इस पर थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉड अब ये इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉड की क्या खासियत है मतलब क्या इसके अंदर बताया है तो इंडिपेंडेंट फ्री फ्रॉड आपको क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा फ्री फ्रॉड एक ऐसा टाइम बाई विच एन एक्टिविटी में बी डिलेड बाई द एक्टिविटी विल बी डिलेड और एक्सटेंडेड विदाउट अफेक्टिंग दी प्रसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ इन एनी वे तो अगर हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्रॉड टाइम की बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट फ्रॉड टाइम एक ऐसी एक्टिविटी की जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा पहले यहाँ पर अर्लीस्ट जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो उसको माइनस करना पड़ेगा लेटेस्ट अलाउेबल टाइम से और माइनस करना डी जी से यानी कि डी आई जी यहाँ पे लिखा है यानी कि डूरेशन से तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पता है कि फर्स्ट एक्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है इंडिपेंडेंट फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी वन टू टू ई एस टी टू माइनस एल एफ टी वन माइनस जी वन टू ये आपका फॉर्मूला है जो आप लगाएंगे अब इस केस में इसको करो ग्रेजुअली सॉल्व करो तो ई एस टी यहाँ पर टू ई एस टी टू ठीक ई एस टी टू नेक्स्ट माइनस एल एफ टी वन माइनस डी वन टू डी वन टू डन ऑफ वन टू कितनी दी वी डोरेशन ऑफ वन टू थर्टीन दी है तो इसको हमारे पास कितना जाएगा? Uh, 0 आ जाएगा जीरो आ जाएगा सिमिलरली सेकेंड के लिए जिसमें आपको यही कैलकुलेट uh, करोगे तो ट्वेल्व माइनस ज़ीरो माइनस वन टू ट्वेल्व माइनस जीरो माइनस वन टू इस केस में क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना था ई एस टी टू कितना था थर्टीन माइनस ज़ीरो माइनस थर्टीन था तो उसके लिए ज़ीरो आ गया जैसे हमने कैसे किया कि ई एस टू थर्टीन यहाँ पर यहाँ पर आपका देन माइनस ज़ीरो देन माइनस बी इस केस में सिमिलरली हमें यहाँ पर निकालना है आगे तो आगे इसको वैसे ही कैलकुलेट करना है तो इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास कितना आएगा ट्वेल्व माइनस जीरो माइनस ट्वेल्व अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ज़ीरो दैन ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस टू ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस टू ये किसके लिए है आपका इस एक्टिविटी के लिए जिसमें हम यहाँ पे तीसरी एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं टू टू से ले फोर तक टू टू लेके फोर तक तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क डायग्राम देखो तो टू टू फोर तो टू टू फोर के लिए ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस टू ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस टू डूरेशन तो इसके लिए कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर फाइव सिमिलरली ट्वेंटी माइनस एटीन माइनस एट ट्वेंटी माइनस एटीन माइनस एट ये किसी एक्टिविटी के लिए थ्री टू फोर के लिए तो थ्री टू फोर के लिए तो थ्री टू फोर के लिए यहाँ से लेके आता ट्वेंटी माइनस एटीन माइनस एट अकॉर्डिंग टू फॉमूला यही कह रहा है हमें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सिक्स माइनस देन ट्वेंटी माइनस थर्टीन माइनस फिफ्टीन फॉर एक्टिविटी टू टू फाइव विच विल बी जीरो आपका ये ट्वेंटी एट है ट्वेंटी एट माइनस थर्टीन माइनस फिफ्टीन देन ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो जीरो जीरो फाइव सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो ज़ीरो तो इतना हमारे पास ये जो आंसर निकल कर आया है ठीक है तो आई होप आपको ये समझ आओगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मैंने आपको सारी जितनी भी एक्सपेक्ट है ये आपको इस स्लाइड के अंदर पहले से अवेलेबल है तो आप इसको देख सकते हैं पूरी थ्योरी है थ्योरी आपको मैंने सिखाई और कैसे हम सॉल्व करें वो बताया साथ के साथ में एक होता है स्लैग टाइप एग्जाम में स्लैक टाइम में पूछा जा रहा है तो स्लैक टाइम क्या है एज अ लेटेस्ट टाइम कितना होगा किसी एक्टिविटी का जो कंप्लीट कर पाए विदाउट डीलिंग द प्रोजेक्ट एंड माइनस द अर्लीस्ट टाइम एक्टिविटी कैन बी कम्प्लीटेड तो अगर हमें स्लैक टाइम किसी का कैलकुलेट करना है तो स्लैक टाइम इज अमाउंट ऑफ द टाइम ऑफ एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डीलिंग द इंटायर प्रोजेक्ट तो उसको स्लैक टाइम भी कहा जा रहा है किसी ना किसी बुक में यहाँ पर आपको यहाँ पे फ्लॉट टाइम भी इसको हम कंसिडर कर रहे हैं या स्लैक टाइम इसको कहीं ना कहीं आपका सिमिलर तरीके से साउंड कर सकता है तो ये इसमें दिया है ठीक है आई होप आपको समझ आओ कैसे मैं पे सॉल्व कर रही हूँ चीज़ों को ये क्योंकि इतने बड़े बड़े आपके पास ये कंसेप्ट आते हैं थ्योरी मैंने आपको बताई है अब जब उस थेरी को जब इम्प्लीकेट करते हैं उसको प्रैक्टिस में लगाते हैं तो उसको प्रैक्टिस में लगाया कैसे जाता है तो मैंने आपको सारी चीज़ें कैल्कुलेट करके बताई कि फॉरवर्ड पास कैसे निकालना है बैकवर्ड पास कैसे निकाला है कभी कभी आपको फ्रेंड्स ये कन्फ्यूज़ करने के लिए फॉरवर्ड पास को अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम भी कह देगा अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम भी कह देगा तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना और लेटेस्ट अलाएबल टाइम भी आपको आता है बैकवर्ड पास ठीक है तो उसके लिए आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है ठीक है और साथ के साथ ये टर्मिनोलॉजी ये पूरा बनता कैसे है ये मैंने आपको खुद अपने हाथों से यहाँ पर बना के दिखाया है एक, एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले हाइपोथेटिकल यहाँ पर एक टेबल लेते हुए तो वहाँ से आपको मैंने सॉल्व करना सिखा तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा ये